खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एबीपी न्यूज पर पेश है दिन भर की बड़ी खबरें। बिहार में महागठबंधन ने सीटों का ऐलान कर दिया। आरजेडी 20, कांग्रेस 9, आरएलएसपी 5, जीतन राम मांझी की हम और वीआईपी पार्टी 3 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा पर पीएम नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली समेत तमाम बीजेपी के नेताओं ने निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि सुरक्षा बलों पर सवाल उठाना विपक्षियों की आदत है। अरुण जेटली ने कहा कि पाकिस्तान की लाइन बोल रहे हैं। कांग्रेस ने येदुरप्पा की एक कथित डायरी का हवाला देते हुए उन पर बीजेपी के बड़े नेताओं को 1800 करोड़ रुपए देने के आरोप लगाए। बीजेपी बोली कि कांग्रेस झूठ के सहारे राजनीति कर रही है। येदुरप्पा ने भी इनकार किया है। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने आज वित्त मंत्री अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। गंभीर ने कहा कि पीएम मोदी के विजन से प्रभावित होकर बीजेपी से जुड़ा। सूत्रों के मुताबिक गंभीर दिल्ली की नई दिल्ली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम हैं। मेरठ से हाजी याकूब और सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान लोकसभा चुनाव लड़ेंगे।